प्रथम तहलका न्यूज। ना दीवारें बची, ना लेंटर बचा और ना ही कोई मशीन बची। जो भी था सब खत्म हो गया और ये सब हुआ है दो विस्फोट के बाद। बर्बादी की ये तस्वीरें करनाल से सामने आई है, जहां घोघड़ीपुर फाटक के पास बम पटाखा फैक्ट्री में दो ऐसे ब्लास्ट हुए कि सब कुछ तहस नहस हो गया। नजारा ऐसा था कि आसपास के लोग देख कर सहम गए। पटाखा फैक्ट्री में पटाखे, फुलझड़ी, आतिशबाजी बनती थी, जिसमें आग लगने के बाद तेज धमाके के हुए और भीषण आग लगी। आग इस कदर विकराल रूप लिए हुए थी कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी। रूम में अंदर तो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन सबसे पहले ये काम था, हमकी जान बचे, हम तो इसीलिए डॉक्टर साहब के यहाँ लेके आए हैं। जी, तीन लोग हैं सर। हाँ जी। तो कर्मचारी हैं क्या, काम करते? हाँ, थे कर्मचारी हैं। तीनों जेंट्स हैं। हाँ जी। तो क्या काम कर रहता था इनका सर वहाँ? काम तो फैक्ट्री में रहते हैं जी, जैसे माल बनाते हैं जी, जो भी अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन होती है। आगजनी की घटना में तीन लोगों के झुलसने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। सारा दीवारें लेंटर टूटा हुआ काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ। हाँ, बहुत बड़ा ब्लास्ट है। लोग जिनसे राज लोग थे उन्होंने बताया बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। घायल कितने हुए? मारे को तो तीन चार बंदे बताए हैं, उनको चोट लगी, उनको लेके गया मालिक। हुआ क्या वो? हाँ, वो यहाँ पे चले। हुआ कहाँ पर है? ये गोगड़ी पर के यार, जो ये पूरा है के फ्लाईओवर के बीच में पोल्ट्री फार्म के पास। तो लगता कैसे है, क्यों हुआ होगा? अच्छा जी, अच्छा जी, देखो जी, यहाँ पे भला इसका काम है, पटाखे का काम है, बारूद का काम है, बारूद मेरे प्यास तो बड़े ब्लास्ट हुए हैं। हाँ, तो बड़ा ब्लास्ट हुआ है सर, दीवार दूर सब गई है। कितनी गाड़ियाँ आई आपकी? चार गाड़ियाँ। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ऐसी फैक्ट्रियां जिसमें पटाखे बनाते हैं, क्या वो फैक्ट्रियां सुरक्षा के मानक को पूरा करती हैं? प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।